हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हो गया 11 दिसंबर 2018 दिन मंगलवार। चलिए आज की मुख्य मुख्य खबरें देख लेते हैं। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने वालों ने बनाया नया रिकॉर्ड। वर्ष 2017 का रिकॉर्ड तोड़ते हुए वर्ष 2018 को नया रिकॉर्ड बना दिया गया है। NSC बोस हवाई अड्डे पर लैंडिंग के समय चिड़िया से टकराया विमान। MP में शिवराज या कांग्रेस करेगी सत्ता में वापसी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की मतगणना आज। विवाद के विचार में गवर्नर उर्जित पटेल ने दिया इस्तीफा। 1992 के बाद सबसे छोटा कार्यकाल। उर्जित पटेल के फैसले के बाद PM मोदी का ट्वीट, कहा उनकी कमी खलेगी। शिवसेना सांसद की धमकी, सरकार राम मंदिर पर बिल नहीं लाई तो नहीं चलने देंगे हम संसद। पत्रकार राहुल गांधी पर तंज, कहा अली बाबा 40 चोर, चौकीदार के डर से मचाए शोर। किसानों को बहुत समझती है मोदी सरकार, कहना है राहुल गांधी का। उर्जित पटेल के इस्तीफे पर सियासी तेज, राष्ट्रपति से मिलेंगे विपक्षी नेता। SBI ग्राहकों के लिए कुछ खबरी, बैंक ने बदला नियम, अब किसी भी ब्रांच में जमा करें TDS से जुड़ा फॉर्म। भारत लाया जाएगा शराब कारोबारी माल्या, लंदन की कोर्ट ने दिया फैसला। केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा, NPS में 14% बढ़ाएगा सरकारी योगदान, निकासी भी टैक्स फ्री। भारत ने Agni 5 का सफल परीक्षण किया, 5000 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य भेजने में सक्षम। SBI ने लिया बड़ा फैसला, अब आपको इस सर्विस के लिए चुकाने होंगे ज्यादा पैसे। विपक्ष की बैठक से मायावती अखिलेश ने बनाई दूरी। JC बोस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दिनेश कुमार सबसे प्रतिष्ठित कुलपति पुरस्कार से सम्मानित। ऑयल नेचुरल इंडिया गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निकली है जॉब्स। इस बार के कुंभ मेले में होगा भव्य टेंट सिटी। 16 को प्रयागराज पहुंचेंगे PM मोदी। रेल में सफर करना होगा आसान, वेटिंग लिस्ट वालों को तुरंत मिलेगी 1 जनवरी से सीट। मोदी सरकार की पेंशन स्कीम में 5 बदलावों को मंजूरी, रिटायरमेंट के बाद मिलेगी टैक्स फ्री पेंशन। संसद में मोदी सरकार को घेरने के लिए एकजुट हुए विपक्षी, राहुल बोले भाजपा RSS को मिलकर हराएंगे। तो दोस्तों आज के साथ समाचार समाप्त हुए, आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।